मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए उत्तर रेलवे ने मोटरसाइकिल रैली निकाली है। जानकारी के मुताबिक ये रैली लखनऊ से अमृतसर जलियांवाला बाग होते हुए दिल्ली में आजादी के पर्व में शामिल होगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से 5 दिनों में 5000 क्विंटल प्लास्टिक जमा की गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए एक कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने इसके लिए नगर निगमों को सम्मानित किया। सुल्तानपुर में हाई कोर्ट के निर्देश पर जजों के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस ट्रांसफर में फैमिली कोर्ट जज प्रतिभा नारायण का सुल्तानपुर से लखीमपुर खीरी में एडीजी कोर्ट में तबादला किया गया है। सुल्तानपुर से वायरल हुए ऑडियो को विधायक राजेश गौतम ने एडिटेड बताया है। विधायक ने एसपी से मुलाकात करते हुए दरोगा की शिकायत भी की है। सुल्तानपुर में कटका मायंग मार्ग पर नवीनीकरण के चलते कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। इनके कारण होने वाले परेशानियों के मद्देनजर कई लोग 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। रायबरेली में उचाहार में थिएटर और वर्कशॉप का आज समापन हुआ। इस वर्कशॉप में बच्चों को थिएटर और डांस के कई फॉर्म सिखाए गए। रायबरेली में डलमू थाना इलाके के बाबू का पूर्वा गाँव में नहर कोठी के पास शारदा सहायक पर बना पुल अचानक ढह गया। इस दौरान पुल से गुजर रहे रूपेश मौर्या नाम के शख्स घायल हो गए। अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने रिजर्व पुलिस लाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का लोकार्पण किया। बहराइच में प्रदेश के श्रम आयुक्त और नोडल अधिकारी शकुंतला गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान वृक्षारोपण के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। गोंडा में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा का तबादला होने के बाद उन्हें पुलिस लाइन में बुके देकर माला पहनाकर विदाई दी गई। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल वॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।